अपने रोज़े को कैसे पाक करें नुकसान और कमी से, कैसे फ़कीरों मिस्कीनों के दिलों को मसरूर करें ताकि वो खुश हों जैसे आप खुश होते हैं। इस हदीस पर गौर करें। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया है सदका फितर रोज़े की तहारत के लिए, बेहुदा गोई से और मिस्कीनों के लिए खाने के लिए। ज़कात फितर हर मुसलमान पर वाजिब है अपनी तरफ से, और जिन पर खर्चा करना उसकी ज़िम्मेदारी है, जैसे उसकी बीवी और बच्चे, अगर उसके पास उस दिन अपने और अहले अयाल के खाने से ज़ायद हो। कोई ख़ास निसाब नहीं है कितना माल हो, मिकदार जो वाजिब है हर शख्स से एक सा अनाज या फल का जो लोगों की खुराक है, जैसे खजूर, चावल, दाल। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि फ़र्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर में एक सा खजूर से या जौ से गुलाम और आज़ाद पर, मर्द और औरत पर, छोटे और बड़े पर, मुसलमानों में से। आपने हुक्म दिया कि इसे अदा किया जाए लोगों के नमाज ईद की तरफ निकलने से पहले, और वाजिब हो जाता है रमज़ान के आखिरी दिन सूरज गुरूब होने पर। अफजल ये है कि नमाज ईद से पहले अदा किया जाए, और कोई हर्ज नहीं अगर इसे एक दिन या दो दिन पहले अदा कर दे, यानी 28 की रात, क्योंकि महीना 29 या 30 का होता है, और नमाज ईद के बाद जायज़ नहीं। और जो ईद वाले दिन अदा नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा, सवाए इसके कि कोई उज़र हो, और उसकी कज़ा वाजिब है। तो जल्दी अदा करें पाकीज़ा नफ्स के साथ और अजर की उम्मीद से। फरमाने इलाही है, ऐ ईमान वालों, खर्च करो जो हमने तुम्हें रिज़क दिया इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती और ना ही सफारिश, और काफिर ही जालिम है।